नई सोच सही दिशा की प्रस्तुति। धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, श्रावणवदी चतुर्दशी आधुनिक जैन समाज के लिए ऐतिहासिक दिन है। किसी भी हालत में इसे भुलाया नहीं जा सकता, इसे भूलना नहीं चाहिए। जिन्होंने हमें इंसान बनाया, जिन्होंने हमें जैन बनाया, जिन्होंने हमें पाप कूप से बचाया, जिन्होंने हमको दुख मुक्ति की राह दी, उन महान उपकारियों को याद करने का दिन है श्रावणवदी चतुर्दशी। ये विडंबनादायक ही है कि हम भविष्य के लिए तरसते हैं, वर्तमान के लिए परेशान होते हैं, लेकिन भूतकाल को क्यों भूल जाते हैं। जिन्होंने हम पर उपकार किए हैं, जिन्होंने हमको यहाँ तक पहुँचाया है, उन्हें भूल जाना कृतज्ञता है। शास्त्रों में कहा है मनुष्य को कृतज्ञ नहीं कृतज्ञ बनना चाहिए। कृतज्ञ यानी उपकारों को याद रखना, कृतज्ञ यानी किए हुए एहसानों को भूल जाना। सच कहूँ बंधुओं, श्रावणवदी चतुर्दशी हमारे नए जीवन का पर्व है। हमारे पुरखों को जिन लोगों ने जैन बनाया, उन महान गुरु भगवंतों को अर्घ्य अर्पित करने का अवसर है। एक बार अपनी रगों में बहते लहू की महत्ता को पहचानना चाहिए, मन से गौरवान्वित होना चाहिए, और जिन लोगों ने हम पर उपकार किए हैं उस गौरव गाथा को याद करके अपने इतिहास को जानने का प्रयास करना चाहिए। भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के केसी गणधर भगवंत के शिष्य विद्याधर कुल के महान अधिपति आचार्य भगवंत श्री स्वयं प्रभु श्री जी महाराज भगवान महावीर के निर्वाण के पश्चात विहार करके पश्चिम भारत की यात्रा पर आए थे। उन्हीं के शिष्य रत्न प्रभु श्री जी महाराज ने श्रावणवदी चतुर्दशी के दिन 125,000 राजपूतों को धर्म का बोध देकर, रत्न त्रय देकर, सम्यक ज्ञान दर्शन चरित्र की आराधना देकर, मांसाहार से मुक्त कर, जुए इत्यादि से परिष्कार कर, शराब छुड़वा कर, शिकार से दूर कर, हमें व्यवस्थित धार्मिक इंसान बनाया था, जैन धर्म में हमें दीक्षित किया था। और इस प्रकार उनके कर कमलों से 125,000 राजपूत उपकेशपुर नगर में, ओसियाजी में, जोधपुर के पास जैन धर्म को अंगीकार करके अपने जीवन का नया इतिहास लिखे थे। हम उन्हीं की परंपरा के हैं, उन्हीं के वंशज हैं। ओसवाल ज्ञाति का इतिहास इस प्रकार का है। उसी प्रकार भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के केसी गणधर के परम शिष्य स्वयं प्रभु श्री जी महाराज ने श्रीमाल नगर यानी आज के भीनमाल नगर में 100,000 से अधिक लोगों को, राजपूतों को और ब्राह्मणों को जैन बनाकर पूर्वाल वंश की और श्रीमाली वंश की स्थापना की थी। आज हम जातियों में, वर्गों में, संघों में, समाजों के भेदभावों में, संप्रदाय के विवादों में उलझे हैं। एक बार इन सबसे ऊपर उठकर उन महान उपकारियों को, जिनका सबसे अधिक एहसान है हमारी जिंदगी पर और पहला एहसान है, उन्हें याद करना चाहिए। हम आज के गुरुओं को याद करते हैं, अपने संप्रदाय के, पंथ के, अपने समुदाय के, अपने वर्ग के गुरुओं को याद करते हैं, उनके गुणगान गाते हैं, लेकिन जिन्होंने हमारी पूरी परंपरा को जैन बनाया, हमारे पुरखों को जैन बनाया, ओसवाल, पोरवार और श्रीमाली ज्ञाति की जिन्होंने स्थापना की, जिन्होंने हमको सब प्रकार के पापों से दूर रखते हुए एक नया जीवन दिया, उन्हें हम कैसे भूल सकते हैं। इसलिए बंधुओं, कृतज्ञ मत बनिए, कृतज्ञ बनिए, उपकारियों के उपकारों को याद कीजिए। आजकल के गुरुओं के या संप्रदायों के विवादों में उलझने से पहले उन महान गुरुओं को अर्घ्य अर्पित कीजिए, और वो महान दिन जिस दिन हम ओसवाल, पोरवाल या श्रीमाली बने, वो हम याद रखें और अपने जीवन का पल्लवन करें, ऐसी मंगल कामना करता हूँ। आचार्य श्री विमल सागर सुरेश्वर जी महाराज जैन धर्म की श्वेतांबर मूर्ति पूजक तपागच्छ शाखा के तेजस्वी श्रमण है। वे महान आचार्य श्री बुद्धि सागर सुरेश्वर जी महाराज साहिब की उज्जवल परंपरा के प्रभावशाली वंशज है। वे जिन शासन के सजग प्रहरी, युवाओं के जीवन शिल्पी, नए युग के कुशल पथ दर्शक,
पंथ संप्रदायों की आपसी सद्भावना के उद्घोषक, समाज हित चिंतक, क्रांतिकारी विचारक, दीर्घ दृष्टा, स्पष्ट व निडर ओजस्वी प्रवचनकार है। सोशल मीडिया के माध्यम से वे घर घर पहुंचे हैं। उन्होंने हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। अगर आपको उनके वीडियो पसंद आए हो तो उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आचार्य विमल सागर सूरी जी के नाम से चल रहे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर उसके पास रहे बेल के बटन को क्लिक कीजिए ताकि उनके नित नए वीडियो देखने का आपको अवसर मिल सके। विमल सागर सूरी जी के नाम से बने उनके फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए तथा नई सोच सही दिशा के नाम से बनी उनकी मोबाइल एप्लीकेशन आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। आइए हम सब मिलकर वैचारिक क्रांति का सूत्रपात करें, अपनी सोच बदले, दिशा बदले, दशा बदले।